पर्दे पर एक माँ के तौर पर पहचान पाने वाली अदाकारा रीता का निधन हो गया है और उनके निधन पर तमाम टेलीविजन स्टार्स ने शोक प्रकट किया है। आपको बता दें कि रीता के निधन पर विवेक दहिया ने लिखा कि जब मैं सुबह उठा तो ये खबर मैंने सुनी। रीता एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी, वो पर्दे पर एक जबरदस्त माँ का किरदार निभाती थी। मैं बहुत दुखी हूँ और कुछ कहने को मेरे पास शब्द नहीं है। तो वहीं रीता के कोस्टार अनूप सोनी ने उनकी एक तस्वीर को अपलोड करते हुए लिखा, RIP रीता जी। इसके साथ साथ एक्टर मनोज बाजपेयी ने रीता के आत्मा की शांति की दुआएं मांगी हैं। वहीं एक्टर शिशिर शर्मा ने रीता के निधन की जानकारी देते हुए ये लिखा कि हमने एक बेहतरीन शख्स को खो दिया है, वो हम सभी की माँ थी। विल मिस यू माँ। छोटे पर्दे की भाभी जी के तौर पर फेमस हुई एक्ट्रेस शिवांगी ने भी रीता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शिवांगी और रीता जी एक साथ काम कर चुके हैं। शिवांगी ने लिखा कि रीता जी के बारे में सुनकर बेहद दुखी हूँ, वो एक बेहतरीन इंसान थी। वो बहुत प्रैक्टिकल और हमेशा सकारात्मक रहती थी। वो कमाल की एक्ट्रेस थी। वो हम सभी को छोड़कर चली गई है, मेरे लिए वो परिवार की तरह थी। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी मेरे जहन में वो सब यादें फिर से ताज़ा हो गई जो मैंने रीता जी के साथ जी है। शिवांगी ने कहा कि सेट पर हम किस तरीके से लोगों के साथ वक्त बिताते हैं और वो हमारे लिए हमारा परिवार बन जाते हैं। इसके अलावा रीता की बेहद करीबी दोस्त एक्ट्रेस जरीना वहाब ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। जरीना ने कहा कि कुछ समय पहले हम FTII के सभी दोस्त इकट्ठे हुए थे। हमने तय किया था कि हम सब रीता से मिलने जाएंगे, लेकिन रीता का फोन नहीं लगा था जिसकी वजह से हम रीता से नहीं मिले। मैं दुखी हूँ कि हम उस दिन रीता से क्यों नहीं मिले। काश हमने पहल की होती, उसका फोन न मिलने के बावजूद उसके घर चले गए होते। ये कहते हुए जरीना वहाब भी बेहद उदास नजर आई। फाइनल कट न्यूज डेस्क। मनोरंजन से लेकर राजनीति तक, अजब गजब से लेकर ऐतिहासिक तक, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।